कलेक्टर बहू। हम सब की अलग अलग ताकत है, यहाँ मिलकर एक बड़ी ताकत बनी। शेर सिंह बड़ी काम की चीज है, क्यों ना इसी शीशे में उतारा जाए। कर तू वक्त रूपी घोड़े की सवारी और पहुंच दौलत के शोहरत के सिंहासन पर। साक्षी आई थी ना कुंवर साहब से मिलने? वो तो आती जाती रहती है, कुंवर साहब के दोस्त जो हैं। उर्दू की चाशनी जब मुंह से निकलती है तो दिल तक मिठास पहुंचा देती है। चलिए सुनाइए ना, हम भी अपने दिल को मिठास में डुबोना चाहते हैं, सुनाइए ना। तो सुनो, कौन कहता है तन्हाइयां अक्सर तोड़ देती हैं? कौन कहता है तन्हाइयां अक्सर तोड़ देती हैं? कौन कहता है जुदाइयां खुशियों को रौन देती हैं? अरे जिसके पास तसव्वुरों का खजाना हो, तन्हाइयां जुदाइयां रक्स करने लगती हैं। बस आज इतना ही, अभी इतना ही लिखा, बाकी बात। अच्छा आदा, अभी हम आराम फरमाएंगे। बाय। लगता है जोर का झटका धीरे धीरे असर कर रहा है आप पर। मालूम था मुझे, मालूम था कि जब भी मैं अकेले में मिलूंगा तो तानों की जली कटी बातों की बरसात शुरू कर दोगी। अब तो तुम्हें भी बहुत माल मसाला मिल गया है ना मुझे ताने देने का। ठीक है, हो जाओ शुरू। पत्थर पर जितना मर्जी पानी डालो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको ताने तो मैं तब दूंगी ना जब आप पर कोई असर पड़ेगा। घर में कुछ भी होता रहे, चाहे अच्छा या बुरा, आप पर कोई असर नहीं होता है। ना जाने आप तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। आप तो जरूर इस घर में हम लोगों से भीख मंगवा के रहेंगे। बस ये जो आखिरी में जो बात की ना तुमने, ये भीख मांगने वाली, इसी का इंतजार था। और अब देखना तो ये है कि इस बात को तुम कहां से कहां तक ले जाओ। ए भाई, भैया की तनख्वाह कई हजारों रुपए बड़ी है तो जाहिर है ठाट बाट बढ़ेंगे ही, इसमें भीख मांगने वाली कौन सी बात है। ये भीख मांगने वाली झगड़ालू कांड क्यों शुरू कर रही हो तुम? किससे भीख मांगने वाली हो तुम और क्यों? मांगेगी नहीं उर्मिला भी। उर्मिला यानी कि मैं, आयुषी आपकी बेटी और आप, साक्षी और जेठानी जी के आगे भीख का कटोरा आपने दे दिया है हमें। क्या कह रहे थे आप? पहाड़ों पर एक महीने के लिए घूमने जाएंगे, आयुषी को नए कपड़े दिलवाएंगे, हाँ? इसे भीख मांगना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब जरा गंभीर हो जाइए। देखो देवी जी, ये जो हमारा परिवार है ना, ये संयुक्त परिवार है। यही शिक्षा, यही संस्कार बाबूजी ने हमें दिए कि इस घर का कोई भी सदस्य जो कुछ भी कमाएगा वो पूरी कमाई घर में आएगी। मैंने जो कुछ भी कमाया बाबूजी को दिया, भाभी जी के हाथ में दिया। जो भाई साहब ने कमाया वो भी बाबूजी के हाथ में दिया, भाभी जी के हाथ में दिया। एक परिवार, एक घर, एक रसोई, आज तक तो यही चलता आया है। घर की दोनों बेटियां आयुषी और साक्षी साथ ही में जाती है बाजार शॉपिंग करने के लिए। घर की दोनों बहुएं तुम और भाभी
अपने जरूरतों का सामान साथ ही जाकर खरीदती हो, वैसे मैं और भैया भी। तो फिर अब अगर अचानक भैया की तनख्वाह बढ़ी है तो आएगी तो घर में ही ना, यही नियम है इस घर का। इसमें भीख मांगने वाली कौन सी बात है? तराजू के जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं ना, तब उसे सही तोल माना जाता है। लेकिन जब एक पलड़ा हल्का और एक भारी हो, तब कौन इसे सही तोल कहेगा? आप जो कहानी सुना रहे हैं ना, ये तब सही थी जब आपकी और जेठ जी की आमदनी बराबर थी। लेकिन अब एक पलड़ा हल्का और अब एक भारी है। जेठ जी आपसे ज्यादा कमाते हैं और आपकी कमाई उनसे कम है, और यही अंतर हम लोगों को उनसे भीख मंगवाएगा। इस घर में दाल रोटी कपड़ा हर चीज का इंतजाम तो है, फिर ये क्यों भीख 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 की रट लगाए रखती हो तुम? भीख ऐसे पतिदेव कि एक ही घर में एक बहू अच्छे जेवर पहनेगी, एक बेटी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी और एक भाई महंगे महंगे सूट सिलवाएगा। रोज पार्टीज होंगी, ठाट बाट होंगे, बाहर डिनर पे जाएंगे। और दूसरी तरफ दूसरी बेटी, वो दूसरी बहू और दूसरा बेटा ला टपकाएगा। लेकिन आप तो वो भी नहीं करेंगे, आप तो खुशामद करके चापलूसी करके सब कुछ मांगेंगे। तो इसे भीख मांगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उस तरीके से नहीं, लेकिन दूसरी तरीके से भीख तो मांगेंगे ही ना आप। तो बताओ क्या करना है? जितना दिमाग मुझे ताने देने में लगाती हो, उतना ही दिमाग ये समस्या का समाधान ढूंढने में लगाओ। मैं चला सोने। ये कैसा गांव है, कितने दिन हो गए कुंवर साहब को शहर गए, पर आज तक पता ही नहीं चला कि कुशल मंगल पहुंचे हैं या नहीं। क्या पता कैसे होंगे कुंवर साहब, कितने दुखी मन से गए थे शहर। क्या हो रहा है ननंद जी, आजकल आप इस कोप भवन से बाहर ही नहीं निकलते। छोटी भाभी, पहले ये हवेली साइंस आई थी, अब कुंवर साहब भी चले गए हैं शहर, बड़े ठाकुर साहब भी अपनी मन की शांति के लिए बद्रीनाथ चले गए, बड़ी भाभी भी चली गई है जोधपुर। अब इस कोठी में हमारा दम घुटता है, समझ ही नहीं आता हम क्या करें। आप क्यों फिक्र करती हैं ननंद जी, देखना बड़ी ठकुराइन जोधपुर से कोई बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आएंगी आपके लिए, और वो ठाकुर सुमेर सिंह जी जो आपकी जायदाद हड़प रहे हैं, उन सबको अच्छा सबक सिखा के आएंगी। अरे छोटी भाभी, हमें सच में नहीं चाहिए ये सब धन दौलत, हमें तो बस अब एक ही चीज से खुशी मिल सकती है। कौन सी बात ननंद जी? हम चाहते हैं कि कुंवर साहब की अच्छे से उनकी पसंद से शादी हो जाए, उनका घर बस जाए, बाल बच्चे हो जाए, बस उन्हीं को देख देख के हम जी लेंगे। अब इस विधवा पुष्पा का तो यही सपना है। बात तो आप ठीक कह रही हैं ननंद जी, ये जिंदगी जीने के लिए अरमानों का ख्वाबों का होना बहुत जरूरी है, भले ही अपने नहीं पर खानदान के ही सही। आखिर इस अकेलेपन का बोझ कोई कब तक सहेगा, कैसे सहेगा? छोटी भाभी, आजकल आप भी बहुत परेशान नजर आती हैं, पहले की तरह आप वो ठसकदार बातें नहीं करती हैं, शहर जाने की जिद नहीं करती हैं। औरत जात की यही तो मजबूरी है, अपने हथियार डाल देती है एक दिन, समाज घर पति जैसे रखता है वैसे ही रहने लगती है। अरे ननंद जी, जब कमजोरी खुद की होती है ना तो हथियार डालने ही पड़ते हैं। क्या मतलब छोटी भाभी? अब देखिए ना, इस खानदान को संतान तक नहीं दे पा रहे हैं हम। पहले सिर्फ हम सुनते थे कि इस खानदान की औरतें कभी खुश नहीं रहती हैं,
और आज आज भुगत रहे हैं हम। देखिए ना, इस खानदान में सिर्फ हम तीन औरतें हैं। आप विधवा हो गई। बड़ी ठकुराइन पहले ही निसंतान थी और अब हम भी निसंतान। और वो जिनकी संतान थी शिवा की माँ, वो तो चल बसी। बहुत ही बड़ी बीमारी हुई थी उन्हें, आखिरी सांस भी उनकी तड़प तड़प कर निकली है। सच ननद जी, अब तो डर लगने लगा है इस हवेली से। मेरी बात मानो छोटी भाभी, तो आप शहर चली जाइए छोटे भाई साहब को लेके, और वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाइए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और उनसे अपना इलाज कराइए। क्या पता आपकी गोद भी बढ़ जाए। अब आपसे क्या छुपाना ननद जी, हम बहुत बार शहर गए हैं, इलाज भी करवाए, पर कोई फायदा नहीं। हमें तो लगता है कि ये इस खानदान पे हुए श्रापों का असर है। छोटी भाभी, इन बातों से तो हमें बहुत डर लगता है। कहीं कुंवर साहब साक्षी को ब्याकर अगर घर पे यहाँ ले आए, और ये श्राप की बात अगर सच निकली तो बेचारी साक्षी। नहीं नहीं, हमें तो ये सब सोच के ही डर लगता है। भाभी, ये सब सोचना भी हमारे लिए पाप है। साक्षी, एक मिनट बेटा। साक्षी, तुझे एक बात कहनी है। बेटा, तूने अपने पापा की प्रॉब्लम का हल तो निकाल दिया है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। माँ, साफ साफ बताओ क्या बात है। बेटा, पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे पापा से कुंवर शिवराज सिंह की सारी बातें छिपा रखी है। वो रागेश्वरी रजवाड़े वाली भी और मणिका वाली भी। और दूसरी बात ये है बेटा कि कुंवर साहब का वहाँ कुछ बुरा ना हो जाए। मेरा मतलब है कि कुंवर शिवराज सिंह उन शातिरों के चंगुल में न फंस जाए। साक्षी, अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, बात तो आप सही कह रहे हो, पर हम करें तो क्या करें। जब तक कोई ऐसा सबूत हमारे हाथ में नहीं लग जाता जिससे ये पता चल सके कि रजवाड़े वाले शिवा के साथ कौन सा षड्यंत्र रचा रहे हैं, तब तक हम क्या कर सकते हैं। मेरी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। ये आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। कलेक्टर बहू। तो बेटा, तलाश ना सबूत को। तूने कहा था ना कि तुम्हारे पापा का टारगेट पूरा होते ही तुम रजवाड़े वालों की फाइल खोलोगे, तो खोलो ना बेटा फाइल। करो ना वैसे ही तैयारी जो तूने उस भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ की थी ना, अपने पापा का बदला लेने के लिए। साक्षी, करो ना कोई चमत्कार, क्योंकि मैं कुंवर शिवराज का कुछ भी अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती हूँ। माँ, शिवराज का अनर्थ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और हमारे रहते हुए तो उनका भोपाल में कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। और अब तो वैसे भी हम दोस्तों की एक ताकतवर टीम भी बन गई है माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेटा, अब तुम सब लोग मिलकर और रजवाड़े वालों की चालों का ना भांडा फोड़ो, दिखा दो असली चेहरा शिवराज सिंह को, वो रजवाड़े वाली का भी और मणिका का भी। तू चिंता मत कर माँ, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और मैं देखती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, और फिर राज और दोस्तों से भी सलाह ले लूंगी, सलाह मशवरा कर लूंगी। अच्छा माँ, पापा को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ मत बताना। हाँ, पापा का कोई फोन आया था? पापा ठीक तो है ना, इंदौर में सब कुछ ठीक तो है ना माँ? अरे हाँ बेटा, कल रात को तुम्हारे पापा का फोन आया था,
बहुत खुश नजर आ रहे थे, मुझे शेर व शायरी सुना रहे थे। सच्ची कह रही हूँ तुझे। और पता है मुझसे क्या कह रहे थे? मुझसे कह रहे थे कि वर्षों के बाद उनके अंदर का जो शायर है वो बाहर आ रहा है। जानती हो इंदौर में बहुत शेर व शायरी कर रहे हैं आजकल वो। वाओ माँ, हमेशा से यही चाहती थी। असल में पापा ने बरसों से अपनी इच्छाओं और ख्वाबों का गला घोटा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पापा कॉलेज से ही कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते थे, पर हालातों ने उनके सपने रौंद दिए होंगे। तभी तो वो सपने देखने से, बड़ा आदमी बनने से इतना तड़पते हैं। एक बात जानती हूँ माँ? कैसी बात बेटा? मुझे ना कुछ दिन पहले पापा की सर्विस बुक मिली और उसमें मैंने पढ़ा, उसमें मुझे पापा का एक अनोखा रूप देखने को मिला। पता है वो कॉलेज डेज में अपने कॉलेज के हीरो हुआ करते थे, ड्रामा, ड्रामेटिक्स, डिबेट कंपटीशन सब में नंबर वन। फिर न जाने उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनको एक मामूली सी ग्राम सेवक की नौकरी करनी पड़ी। हाँ बेटा, कल फोन पर तुम्हारे पापा कुछ ऐसा ही बता रहे थे। कह रहे थे कि मैं कॉलेज के दिनों में बिल्कुल साक्षी की तरह था। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि पापा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से टूट गए। हो सकता है बेटा ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन अभी तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ माँ, पहली बार पापा को अपनी जिंदगी में उनका हक मिला है और पहली बार उनको विश्वास हुआ है कि मेहनत और ईमानदारी का, सच्चा ख्वाब देखने का फल जरूर मिलता है। इसीलिए तो वो इतना खुश हैं और मैं भी यही चाहती थी। चलती हूँ माँ, आज शिवा की कोठी में जरूर जाऊंगी। ठीक है बेटा, बाय बाय। हाँ ना, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी मैं। आई कॉल यू बैक। मॉम, अचानक ना कॉल ना फोन, कुछ भी नहीं। अरे कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। खैर ये बता, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। और कुंवर साहब कहाँ है? वो तो घूमने गए। मॉम, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो क्या? मॉम, आप कुंवर साहब से मेरी शादी क्यों कराना चाहती है? मैं क्यों चाहती हूँ? सुनना चाहती हो तो सुनो बेटा, हमारा खानदान रजवाड़ों का खानदान है और यहाँ शादियां तो इंसानों के बीच में नहीं, तो खानदानों के बीच में होती है। और तूने जो ये जोधपुर में काले कारनामे किए हैं ना, उसकी खबर हर एक खानदान में पहुंच गई है जहां मैं तेरा रिश्ता करना चाहती थी। लेकिन मॉम, इन सब से कुंवर साहब का क्या रिश्ता है? मैं उन्हें क्यों रिझाऊं? मैं उनको अपने प्यार में क्यों फंसाऊं कि वो मुझसे शादी करने के लिए तड़पे? क्यों मॉम, क्यों? मुझे जवाब दो। सुनना चाहती हो क्यों? क्योंकि अब बस यही एक खानदान बचा है जिसे तेरे काले कारनामों का नहीं पता, समझी? क्योंकि ये उस गांव में रहते हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची। तू शहर से दूर, पहाड़ों के नीचे दवा गांव है इनका, और मैं इसी खानदान में तेरी शादी करना चाहती हूं कुंवर शिवराज से। ये आपकी सोच, मेरी नहीं। मेरी शादी कहां होगी, किससे होगी, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। मॉम, ये आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। ठीक
ठीक है, मैं तुझ पर छोड़ती हूँ, पर तेरा मेरे से रिश्ता खत्म। तेरा रिश्ता शिवराज से होगा, यही कसम है मेरी। फैसला तुझे करना है। कलेक्टर बहू, आज से तेरा खर्चा पानी सब खत्म। एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे, और तुझे हवेली से बाहर फेंक दूंगी मैं, समझी? मम प्लीज मुझे सोचने का मौका दीजिए। आप जानते हैं मेरे खर्चे, मैं क्या करूंगी? सोचना नहीं है अब। तेरी इस शादी के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अपने से दूर रख के कोई सुखी थोड़ी हूं मैं आज। बस तेरा रिश्ता शिवराज से होगा, यही कसम है मेरी। फैसला तुझे करना है, मुझसे रिश्ता रखना है या नहीं रखना, पता अभी के अभी। नहीं मॉम, रिश्ता रखना है, जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूंगी। नहीं प्लीज, ये खर्चे ना देने की बात कभी मत, और रिश्ता तोड़ने की कभी बात मत। चुप चुप कियो मेरी बेटी, कल ही तेरे अकाउंट में डबल पैसा जमा करा दूंगी, खूब लुटा कुवर पे पैसा, और चला अपना शहर वाला जादू उस पर, ताकि उठे तो तेरे बारे में सोचे और सोए तो तेरे सपने देखे। कुवर शिवराज जैसा पति किस्मत वालों का नसीब होता है। अभी नहीं समझेगी, जब तेरी शादी होगी तब समझेगी। चल चलती हूं, अपना ख्याल रखना और कुंवर साहब का भी। और हां, शादी तेरी अब कुंवर शिवराज से ही होगी, समझी? चलती हूं। कुंवर साहब आपको याद कर रहे थे, बेचारे कह रहे थे कि शहर में कोई अगर अपना है वो मणिका है। बेचारे साक्षी जी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शायद इसलिए ईश्वर ने कुंवर साहब को हमारे पास भेजा कि हमारी जोड़ी बन सके जैसा मॉम चाहती है। कुंवर शिवराज सिंह के दिल में आपके लिए और आपके दिल में उनके लिए जगह बन रही है।